अगर एक शांत व्यक्ति को कोई परेशान करता है तो जनरली वह उसे इग्नोर कर देता है, जिससे परेशान करने वाले को लगता है कि सामने वाला शायद कमजोर है या लड़ना नहीं जानता। लेकिन इससे बड़ी बेवकूफी नहीं हो सकती। शांत रहने वाला इंसान सामने वाले से नहीं बल्कि खुद से डरता है कि अगर मैंने मारना चालू किया तो सामने वाला उठने लायक नहीं रहेगा। एक शरीफ इंसान जब बिगड़ता है तो फिर सामने कोई भी हो उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों, अभी मैं आ रहा हूँ जिम करके और अपना ये GNC का प्रोटीन बना रहा हूँ मैं। तो हाँ, तो बात ये है कि हाउ यू डूइंग एवरीवन, आई होप योर डे विल बी, एक मिनट, योर डे विल बी गुड। और बाकी वीडियो हम अपने जिम में जाके आपसे बात करूंगा, ठीक है? और तब तक के लिए मैं अपना GNC का 250 ml का ये पीता हूँ। तो दोस्तों, देयर इज अ इंग्लिश फ्रेज जो कि कहता है, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक ह्यूमन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। इसका हिंदी में मीनिंग है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। और मैं उठता हूँ रात के 3 बजे। जी हाँ, सही सुना आपने, रात के 3 बजे उठता हूँ। और कुछ लोगों को ये लगता है कि मैं अपना टाइम वेस्ट करता हूँ, मैं क्या ही करता रहूँगा। मैं अक्षय कुमार का फ़ैन हूँ, जो कि मैं हूँ अक्षय कुमार का फ़ैन। अभी अभी स्ट्रीट टू देख के आ रहा हूँ डिनर खाते खाते। और मैं ये आपका रात के 3 बजे उठ के ये वर्कआउट करता हूँ, चाहे कितनी भी ठंड हो, कितनी भी बारिश हो, कितनी भी गर्मी हो, मैं रात के 3 बजे उठ के, पहले मैं 4 बजे उठ के करता था लॉकडाउन में। तो आओ यार, आपको पढ़ाता नहीं, आपको सुनाता हूँ ये 3 बजे उठने के फ़ायदे। और हाँ, ये जो नाम है उपमन्यु बस्ती 3 AM, ये प्रॉपर मेरी कैरेक्टराइज के ऊपर है, जो कि मैं अभी हूँ, ठीक है? तो आओ यार, तो मैंने अभी गूगल खोल के रखा है और गूगल में ये है, ये लिंक आपको दे दूँगा, 10 reasons to get up early, because early rising isn't just for bird। जी हाँ, सही सुना आपने। और दोस्तों, मेरे को इस टाइम पे दो चीज़ें दिखती है, एक चमगादड़ और एक आउल, जो कि बहुत शोभ होता है अगर आपके, मान लो, इल्यूमिनाटी की बात नहीं कर रहा मैं, मेरे को पता भी नहीं है क्या है। और अगर आपको मान लो दो आउल दिखते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी आने वाली है। डोंट कोट मी ऑन दिस, गूगल कर लो, दोबारा बता रहा हूँ। तो गूगल में 10 reasons दिखा रहे हैं कि आपको सुबह जल्दी क्यों उठना चाहिए। रीज़न नंबर 1, आपको अपने लिए ये कुछ ज़्यादा ही टाइम मिल जाता है, मी टाइम जैसे कहते हैं वो मिल जाता है, मोर टाइम टू एक्सरसाइज मिल जाता है, जो कि मैं करता हूँ, ठीक है? लेस टाइम इन ट्रैफिक, अगर आपको कहीं प्लेस ए से प्लेस बी में जाना है तो आप विद इन 15-20 minutes पहुँच जाओगे, ठीक है? और मोर टाइम टू गेट थिंग्स डन। जी हाँ, सही सुना आपने, अपने मीन टाइम के लिए, जैसे मान लो आप कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हो, मान लो आप मेडिटेशन करना चाहते हो, मान लो आप ये योगा करना चाहते हो, तो आप 3 बजे उठ के, 3-4 बजे उठ के, रात के 3-4 बजे उठ के योगा, मेडिटेशन, बुक, अपनी एग्ज़ाम की तैयारी, CA बनने की तैयारी कर सकते हो। और वॉट और क्या क्या नहीं कर सकते आप, कमेंट डाउन में। और बेटर स्लीप तो मिलती है, उसके बाद चाय, बेशक सो जाओ, नहाने धोने के बाद बेशक सो जाओ, जो कि मैं करता हूँ, ठीक है? और
जो कि बहुत ही एनर्जी देता है, आपके बॉडी को बूस्ट करता है, आपकी मेटाबॉलिज्म को, और डाइट्री भी बहुत अच्छा है, और हेल्दी स्किन। जी हाँ, सही, आपने हेल्दी स्किन जो कि मेरी है, और हेल्दी स्किन हो जाती है, और फ्यूअर डार्क सर्कल। जी हाँ, सही सुना आपने। तो लोग मेरे को कहते हैं कि तेरे डार्क सर्कल लेके लाएंगे, ये लेके लाएंगे, कमजोरी आ जाएगी। दोस्तों, ये है आपके सामने, ये मेरे डार्क सर्कल है क्या? अगर है तो कमेंट डाउन में बताओ, अगर नहीं है तो लाइक दबाओ, क्योंकि जीता जाता ये एग्जाम्पल है अर्ली राइजिंग का। और मैं अभी वीडियो बनाने के बाद सो जाऊंगा, वीडियो अपलोड करने के बाद सो जाऊंगा मैं। मोर टाइम टू ब्रेकफास्ट। हाँ, इस टाइम पे आप ब्रेकफास्ट नहीं कर सकते, क्योंकि फॉर ऑब्वियस रीजन। और हेल्प यू टू कॉन्सेंट्रेट, जैसा कि मैंने आपको बोला कि हेल्प आपको ध्यान लगाने में, आपको मेडिटेट करने में अच्छा लगता है। गो फॉर अ वॉक, रीड समथिंग, जैसा कि मैंने आपको बोला। और क्या था, और भी है, और मेक समवन एन अर्ली। ये 10-15 रीजन है कि आपको अर्ली राइजिंग बनना चाहिए। और ये जो चैनल है, दोबारा बता दूँ, ये जो चैनल है उपमन्यु बसी 3 AM, ये मैंने फिटनेस प्लस ब्लॉगिंग चैनल बनाया है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। यू नो व्हाट टू डू एट द एंड, लाइक एंड सब्सक्राइब की बारिश। और मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट उपमन्यु बसी 3 AM, साइनिंग आउट।